स्वागत तो है दोस्तों फिर से हमारे इस चैनल पे एक नई नीडियो आज हम आपसे बताएं कल के टू एट नाइन एट ए फिल्म के अपने लगभग आठ दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और साथ में आपको बताएं फिल्म के आठ दिनों का टोटल वर्ल्ड एड पर कलेक्शन कितना हो चुका है इस वीडियो के आखिरी तक बने चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर वीडियो को, को लाइक करना ना ना बोले तो चलिए वीडियो को शुरू करते तो आपको बताया कल के टू एट जो कि एक तेलुगु एपिक साइंस और फिक्शन फिल्म है जिस फिल्म को डायरेक्ट किया था नाग अश्विन ने फिल्म को प्रोड्यूस किया था सी अश्विन दत्त स्वप्ना दत्त और प्रियंका दत्त ने फिल्म के अंदर आपको देखने को मिलेंगे प्रभास अमिताभ बच्चन कमला हासन दीपिका पाडुकोण और दिशा पटना फिल्म की अगर लैंग्वेज की बात करें तो आपको बता दें फिल्म को लगभग पाँच भाषाओं के अंदर दुनिया भर में रिलीज़ किया गया जिसमें तो हिंदी तमिल तेलुगु कन्नड़ और मलयालम है फिल्म की अगर बजट की बात करें तो आपको बता फिल्म का बजट लगभग छः सौ करोड़ रुपये बताया जा रहा है फिल्म की अगर रिलीज डेट की बात करें तो फिल्म सत्ताईस जून को रिलीज़ हुई थी फिल्म ने अपने रिलीज़ होने से पहले ही लगभग तीन करोड़ के एडवांस में कलेक्शन कर लिया था तो फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो आपको बताया फिल्म ने पहले दिन इंडिया से नेट कलेक्शन लगभग अंठानवे करोड़ रुपया किया tha, tha, एक एक था तो उनका जो वर्ल्ड आट पर जो कलेक्शन था वो लगभग एक सौ इक्यानवे करोड़ पचास लाख रुपए रहा था फिल्म ने अपने दूसरे दिन लगभग पैसठ करोड़ रुपए इंडिया से कमाया था फिल्म के दो दिनों का वर्ल्ड आट पर जो कलेक्शन था दो सौ अंठानवे करोड़ पचास लाख रुपये हो चुका था फिल्म ने तीसरे दिन यानी इंडिया वर्ष साउथ अफ्रीका का जो फाइनल मैच था उस दिन फिल्म ने लगभग इंडिया से पहत्तर करोड़ सत्तर लाख रुपये कलेक्शन किया था उनका वर्ल्ड आट पर जो कलेक्शन था वो लगभग चार करोड़ हो था। चुका था चौथे दिन इंडिया से नेट कलेक्शन नंबर चौसठ करोड़ नब्बे लाख रुपए किया था वर्ल्ड आर्ट पर जो कलेक्शन था वो 555 करोड़ रुपए चार दिन में हो चुका था पांचवे दिन इंडिया से नेट कलेक्शन नंबर सैतीस करोड़ तीस लाख रुपए किया था छठवें दिन तीस करोड़ तीस लाख रुपए कलेक्शन किया इंडिया से तो इसी में तीस जिसमें से तेलुगु में भाषा से बारह करोड़ पचास लाख रुपए कमाए तो हिंदी से चौदह करोड़ पचास लाख रुपए तमिल से एक करोड़ पचास लाख रुपए तो मलयालम से एक करोड़ पचास लाख रुपए और कन्नड़ से तीस लाख रुपए इसी तरह फिल्म ने लगभग तीस करोड़ तीस लाख रुपए छठवें दिन कलेक्शन किया था इंडिया से फिल्म ने लगभग पूरे इंडिया से छह दिनों में लगभग तीन सौ इक्यानवे करोड़ पचहत्तर लाख रुपए कमाई कर ली थी जिसमें तेलुगु दो सौ सात करोड़ पचास लाख रुपए कमाए तो हिंदी भाषा से एक सौ तिरियालीस करोड़ रुपए और फिल्म ने अदर भाषाओं से इकतालीस करोड़ दस लाख रुपए कमाए इसी तरह फिल्म ने लगभग दिनों में इंडिया से नेट कलेक्शन नंबर तीन सौ इक्यानवे करोड़ रुपए के ग्रोस कलेक्शन की बात कर फिल्म ने लगभग छह दिनों में चार सौ पचहत्तर करोड़ रुपया था फिल्म ने ओवरसीज के मार्केट छह दिनों में दो सौ पच्चीस करोड़ रुपए फिल्म का वर्ल्ड आर्ट जो कलेक्शन था वो लगभग छह दिनों में लगभग सात सौ करोड़ रुपये हो चुका था फिल्म के अगर सातवें दिन की बात दिन इंडिया से नेट कलेक्शन लगभग पच्चीस करोड़ रुपए किया फिल्म के सात दिनों के अंदर का जो वर्ल्ड आर्ट जो कलेक्शन था सात सौ पचास करोड़ रुपये हो चुका था फिल्म आज अपने आठवें दूसरे गुरुवार को फिल्म आज भी लगभग पच्चीस करोड़ रुपया कलेक्शन करती हुई नजर आ रही है इसी साथ फिल्म के साथ नेट कलेक्शन चार सौ चालीस करोड़ रुपये हो जाएगा फिल्म का जो बोड कलेक्शन है वो लगभग सात सौ नब्बे करोड़ रुपए की रेंज में हो जाएगा तो ये फिल्म की अगर कर, बात करें तो फिल्म पहले ही हिट हो चुकी है तो आपने अभी तक कल की फिल्म को देखा है कि नहीं हमें कॉमेंट करके था ऐसी वीडियो को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो हम आपके लाते रहे धन्यवाद दोस्तों